साथ समय के जो चले, करता रहे प्रयास, हिम्मत कभी न हारता, नहीं छोड़ता आस। दुनिया क्या है सोचती, करता नहीं ख्याल, लड़कर वो है जीतता, रचता वही इतिहास। ऐसा ही इतिहास रचा है कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी ने, जो देश के किसानों को आधुनिक ढंग से कृषि करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। ऐसे हैं कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी। वर्षों के अनुसंधान के बाद फल, सब्जियों, फसलों के विभिन्न किस्मों की सौगात देने वाले डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, जो स्वयं आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हुए अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। किसानों के विकास और तरक्की के लिए फसलों की नई किस्म, जानकारी, उन्नति की राह दिखाने वाले डॉक्टर नारायण भाई कृषि जगत के गुरु आज देश के लिए आत्मनिर्भरता और प्रगतिशीलता के परिचायक हैं। मधुर सीताफल का नाम तो आपने सुना ही होगा किसान भाइयों, जिसका नाम लेने मात्र से पहला ख्याल या नाम मन मस्तिष्क में आता है डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी का। कृषि जगत में डॉक्टर नारायण भाई जी ने मधुर सीताफल नामक एक नई प्रजाति लेकर आए, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फास्फोरस की अच्छी मात्रा प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के हित में नारायण भाई हमेशा से ही समर्पित रहे हैं। वहाँ के आदिवासी भाई बहनों को आधुनिक कृषि की तकनीक से वाकिफ कराने वाले कृषि पंडित हैं नारायण भाई चावड़ा जी। हरियाली और सुंदर जलवायु वाले बस्तर क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में सीताफल के पेड़ पौधों की अधिकता होती है। आदिवासी भाई बहनों के घरों के बाड़ियों में सीताफल की काफी मात्रा होती है, जिन्हें तोड़कर वे बाजार में बेचते हैं। लेकिन इन फलों के आकार में काफी असमानता होती है। आदिवासी परिवार इन फलों को नजदीकी बाजार में बेचते हैं, कुछ अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं, तो कुछ आकार या आकर्षक फल नहीं दिखने के कारण कम मूल्य पाते हैं। सीताफल की बढ़ती मांग और उभरते भविष्य की कल्पना कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी की आंखों में उठी और उन्होंने बहुत से किसानों से इस विषय में चर्चा की और अपने अगले शोध के लिए सीताफल की नई प्रजाति के लिए विषय सामग्री एकत्रित करनी शुरू कर दी और एक ऐसे सीताफल पर शोध प्रारंभ किया जो किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप गुण, उत्पादकता, मिठास, बेहतर भंडारण क्षमता तथा आमदनी दे सके। 15 वर्षों के अथक प्रयास, कड़ी मेहनत, विदेशों में भ्रमण, वैज्ञानिकों से अनवरत चर्चा, परिचर्चा एवं फील्ड ट्रायल्स के बाद जब डॉक्टर साहब को पूर्ण संतुष्टि मिली, तब उन्होंने किसानों को सीताफल की एक नई प्रजाति भेंट की और उसका नाम उसकी मिठास पर यानी उसके गुण पर मधुर सीताफल रखा। तो इस तरह हमारे बीच मधुर सीताफल नाम की एक नई किस्म आई, जो आज सबकी पहली पसंद बनी हुई है। किसान भाइयों, आज हमें ये मालूम है कि किन विधियों से हम अधिक उत्पादन और मुनाफा ले सकते हैं। आप भी इनकी ही तरह आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से फलों की खेती कर सकते हैं और उत्पादन में मुनाफा के साथ साथ देश की प्रगति में भी अपना योगदान दे सकते हैं। मधुर सीताफल जैसे उन्नत किस्म के आने से अब कई किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती किसानी करके लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी एक सच्चे माटी पुत्र हैं, जिनका जीवन अपने आप में एक ज्ञान के दीपक समान है, जो अपनी ज्ञान की रोशनी चारों ओर बिखेर रहे हैं। और सबसे रोचक बात ये रही कि बस्तर के किसान भाइयों के चेहरे पे जो मुस्कान आई है, वो सचमुच सुकून देने वाली है। उनके बाजार अब मधुर सीताफल से सुगंधित होते हैं। ये वैरायटी जो मधुर वैरायटी है, और भी अन्य सीताफलों से इसकी कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी है और इसकी साइज भी अच्छी है। मार्केट में इसका रेट
दूसरे चीताफल से जस्ट डबल होगा। अभी जैसे हमने चर्चा में पूछा कि इसका जो रेट है आज के डेट में 300 रुपये केजी मैट्रिस सिटी में जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि किसानों के लिए ये बहुत अच्छा फायदेमंद होगा। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं नारायण बाबू जी को और विपाल भाई को, जिन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे प्रूफ्स के लिए रिसर्च किया और इन लोगों ने हम तक किसानों तक साधारण किसानों तक के इन सब तकनीक को पहुँचाया। नारायण भाई चावड़ा, जिन्हें हम बाबू जी के नाम से संबोधित करते हैं, बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी अच्छी क्रॉप हम किसानों को दी जिससे हमारा भविष्य, हमारा जो उत्पादन और हम बाज़ार भेजें, हम जो किसान चाहता है कि पैसे अच्छे कमाएं, अच्छी क्वालिटी के अच्छे पैसे बनाएं, तो ये फ्रूट हमारे लिए वरदान साबित होगा। ये जो मधुर सीताफल है आप लोग देख पा रहे हैं, मार्केट में जो सीताफल है वो से ये अपने आप में अलग है, जिसके लिए मैं श्री डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बाज़ार में जो उपलब्ध सीताफल है उससे हटकर एक नया एट्रेक्टिव और स्वादिष्ट, कम बीज वाला, ज़्यादा पल्प और आकर्षक एवं अधिक वजनदार 700 से 800 ग्राम वाला हमारे को बाज़ार में उपलब्ध करवाया। साइज़ बहुत अच्छी है, देखने में वो बहुत खूबसूरत है और एक ही बार में अगर कोई भी देखता है तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। पल्पनेस और स्वीटनेस इज़ वेरी गुड और बहुत अच्छा मार्केट में रिस्पॉन्ड हो इसका। डॉक्टर नारायण चावड़ा एक मधुर सीताफल की एक नई वेराइटी लॉन्च की है जो किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। बहुत ही सुंदर और बड़े साइज़ के फल आते हैं, इसमें पल्प बहुत ज़्यादा है, बीज की मात्रा कम है, इससे अब बहुत अच्छी इनकम होगी किसानों को। किसान भाइयों, मधुर सीताफल के उत्कृष्ट गुण के कारण किसानों के बीच ये काफी लोकप्रिय बन चुका है, जो कम पानी, शुष्क जलवायु, विभिन्न वर्षा क्षेत्रों में उपयुक्त तकनीकी के सहयोग से सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। मधुर किसानों को समर्पित। आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी का अमूल्य योगदान है।